दोस्तों लगभग 1100 करोड़ रुपए, 604 डिस्ट्रिक्ट्स और हर डिस्ट्रिक्ट में 500 विलेज, 3 करोड़ ब्रीडेबल पॉपुलेशन। आज मैं इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में आप सभी लोगों से चर्चा करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आइए कुछ बातें जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। दोस्तों भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2014 में जब राष्ट्रीय गोकुल मिशन की स्थापना की गई तो उसका एक लक्ष्य था, हमें अपनी स्वदेशी गाय एवं भैंसों की नस्लों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य करना है और साथ ही साथ हमें अपने देश में कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज जो कि वर्तमान में 30% है उसको बढ़ानी। इसी के क्रम में 11 सितंबर 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पशुपालन क्षेत्र के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं का एक आधार रखा। सबसे पहला वो कार्यक्रम था राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको अंग्रेजी में नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कहा गया, और दूसरा कार्यक्रम था राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना। आइए उस प्रोग्राम की कुछ झलकियां आपके साथ साझा करें। प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में आए हैं जहां पर अलग अलग नस्ल की भैंसे और गायों को रखा गया है जो उत्पादकता की नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर त्यागी जी, यहाँ पर एक साहिवाल गाय को रखा गया है, एक मुर्रा भैंस को रखा गया है। मुर्रा भैंस कहते हैं हमारे देश की सबसे उत्पादक भैंस है और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है, हरियाणा राज्य की भैंस है, और साहिवाल नस्ल हमारे पंजाब की है। और ये मेले का वो हिस्सा है जहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान से जुड़ी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। ये सेक्सॉर्टेड सीमन की लेबोरेटरी कैसे फंक्शन करती है यहाँ पर यह दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री ये ब्रुसेला प्रोग्राम भी आज लॉन्च किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% ग्रांट इन एड कार्यक्रम होगा। पूरे देश में एफएमडी का जो टीकाकरण होगा, ब्रुसेलोसिस रोग का जो टीकाकरण होगा, ये पशुओं को ही नहीं बल्कि पशुपालक के लिए भी एक अभय दान होगा। केवल यही नहीं, आप जो आज समर्पित कर रहे हैं, किसान चिंतित रहता है जब उसके गाय उसके घर में बछिया पैदा हो तो खुशी होती है, बाछा पैदा हो तो दुखी होता है। आज आप ये टेक्नोलॉजी भी देश को समर्पित कर रहे हैं सॉर्टेड सेक्स सीमन कि केवल बछिया ही किसानों के घर में पैदा होगी, ये भी आज आप समर्पित कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम की महत्वता को रखते हुए हमारे वित्त मंत्री ने इस कार्यक्रम के बारे में बजट में भी इसकी घोषणा करी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में और राष्ट्रीय व्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना के बारे में उल्लेख किया और ये भी बताया कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम में लगभग सरकार का 13,343 करोड़ रुपए की धनराशि का अनुमानित व्यय होने की संभावना है। अब आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा खास पशुपालक भाइयों और बहनों के लिए, और इस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, एक बार फिर से ये कार्यक्रम दोबारा शुरू करा जा रहा है खास पशुपालक भाइयों और बहनों के लिए, और ऐसी जगह ये कार्यक्रम शुरू करा जा रहा है जहाँ पर कृत्रिम गर्भाधान का कवरेज 50% से कम। आइए इस कार्यक्रम की मुख्य बातें जान लेते हैं। यह कार्यक्रम संपूर्ण भारतवर्ष में चुनिंदा 604 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम की अवधि 1 अगस्त 2020 से 31 मई 2021 तक रखी गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और हमारी जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, इन सारी स्टेट्स में ये प्रोग्राम का कवरेज पूर्ण रूप से रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे पशुपालक भाइयों और बहनों के चेहरों पर मुस्कान जरूर लाएगा वो ये है कि इस अवधि में अगर आप कोई भी कृत्रिम गर्भाधान अपने पशुओं में कराते हैं तो वो निःशुल्क होगा, आपको इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है। और यदि आप लिंग वर्गीकृत वीर
या जिसे सेक्स ऑडिट सीमेन भी कहते हैं, उससे आप कृत्रिम गर्भाधान अपने पशुओं में कराते हैं, तो उसके लिए आपको निर्धारित जो भी फीस होगी अलग अलग स्टेट्स की, वो आपको देनी है, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹25 प्रति AI के हिसाब से सब्सिडी दे रही है। तो मैं सभी पशुपालक भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करूंगा कि ये स्कीम 1 अगस्त 2020 से शुरू होने वाली है और आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अपने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कराइए, जिससे कि आपकी आने वाले पशुओं की नस्ल सुधार हो सके और अल्टीमेटली आपका दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। यही सरकार की मंशा है और यही एक मुख्य बात है कि हमें अपना कृत्रिम गर्भाधान का जो कवरेज है, जो हमारा अभी कम चल रहा है, उसको हमें बढ़ाना है। और ये NAIP फेज 1 राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान योजना जो 15 सितंबर 2019 से 31 मई 2020 तक चली थी, उसी का एक एक्सटेंशन है इस प्रोग्राम का। और मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।